नाथ किशन वाले, मैं MIM पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हालांकि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये COVID-19 कोरोना इसके वजह से ये औरंगाबाद शहर काफ़ी दिन से परेशानी में चल रहा है, और इसी परेशानी को देखते हुए इस शहर के हमारे खासदार इम्तियाजी जलील साहब ये गरीब लोगों की वजह से कई दिन से परेशान है। उनके जहन में ये बात आई कि 15 अगस्त इस दिन मैं शायद अपने शहर के लोगों के लिए कर सकूं और किसी और के लिए भी। हालांकि वो ये नहीं कभी सोचते कि किस कास्ट का है, किस जात का है। ये घाटी में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, एक एक खून की बोतल 2 से 2500 में बिकी जा रही है, तो यही हमारे खासदार साहब की वजह थी क्यों परेशान थे कि एक आम गरीब आदमी 2 से 2500 रुपए खून की बोतल खरीद नहीं सकता। इसी को नज़र में रखते हुए हमारे इम्तियाजी जलील साहब इस शहर के खासदार, इन्होंने आज 15 अगस्त के निमित्त एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, और ये शिविर सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ, अभी करीब 3 बजे का समय है। यहाँ 130 लोगों ने ब्लड दे चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस शहर के तमाम आवाम से जिसको भी कोई भी खून की ज़रूरत हो, वो हमारे हिंदू भाई हो या कोई मुस्लिम भाई हो या कोई धनगर हो या किसी भी समाज का हो, उनका ये कहना है कि जिसको भी खून की ज़रूरत पड़े उन्हें खासदार साहब के ऑफिस से संपर्क किया जाए, बिगर किसी रोक टोक का तुरंत 10 मिनट में खून उपलब्ध कर दिया जाएगा। ये उनकी सोच है, और उस सोच को मैं सलाम करता हूँ। क्या इस शहर को ऐसा खासदार मिले हैं, क्या मैं उनके ऊपर गर्व है, और मैं भी चाहता हूँ भाइयों और बहनों और मेरे सारे हिंदू भाइयों को नमस्ते करता हूँ कि एक बार आप कुछ तो कहिए, खासदार साहब के नज़दीक आने की कोशिश करिए, आपका बनता हुआ काम सेकंडों में बन जाएगा, ये मैं गुंजाइश करता हूँ। सुशिक्षित, उच्च शिक्षित और उनकी सोच, 10 रुपए का हार डाल के जन सेवा करने वाले ये इम्तियाजी जलील साहब खासदार नहीं है मेरे भाइयों, ज़रा नज़दीक आके देखो। सलाम करता हूँ मैं आप लोगों को और हमारे खासदार साहब को। फिर एक बार कहता हूँ हमारे खासदार इम्तियाजी जलील साहब को बहुत बहुत बधाई, फिलहाल उनका जन्मदिन हुआ उसके लिए, और ये जितना भी खून यहाँ से जा रहा बिगर एक नए पैसे से लेके ये किसी भी गरीब के काम में आए, ये इनकी सोच है, और उनको जीवन दान मिले। जय हिंद, नमस्ते, जय महाराष्ट्र।